युद्ध है बाब है, युद्ध है बाब है, युद्ध है बाब है, युद्ध है बाब है। बारूक यशुआ, बारूक यशुआ, गबोर यशुआ, गबोर यशुआ, गदोर यशुआ, गदोर यशुआ, गारिक यशुआ, गारिक यशुआ, गाबर यशुआ, गाबर यशुआ, और यशुआ, और यशुआ, मेरक मरकीम यशुआ, मेरक मरकीम यशुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। शबशलोम, 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 शबशलोम। और इस समय मैं उन सारे अपने भाई बहनों को शबशलोम बोलता हूँ जो फेसबुक के ऊपर हमारे आज के दिन बिब्लिकल बातों को सुनने के लिए हमारे साथ इकट्ठे होते हैं। वो जहां भी है यहोवा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, और मेरा विश्वास आज और बिब्लिकल बातों को सीखकर हम आशीष पाएंगे। आमीन, 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 आमीन। शलोम की प्रार्थना, शलोम यरूशलेम, यशलोम अबीका, यरूशलेम बकीला का, शलोम बाहमती का। आमीन, आमीन। अभिनु की प्रार्थना, अभिनु शबा शमाए मित्ता दे शिमका ताबो मलकुत का या से हजम का केवल शमाए केम बाहरी सितले कम कुमेरु तेलानु हरियों उसे लानु अलखताइनु एक शशु कीम का अनाकु लाते में बानु बे तेरी अनु बिके निश्यों की इन आवेदनु बिहारा की लेखा हम लाखा बिहारे बोला बहुत तेरे बोल में ओला भी आगे। वचन सबसे पहला वचन बाइबल का बोलेंगे बाराशी बाराशी अपनी चगाई दूसरे की चगाई के लिए निकाल करो। आज बिब्लिकल बातों के अंदर हम दो आदमियों के ऊपर हम सीखेंगे, और ये दोनों आदमी बाइबल के अंदर हमें मिलते हैं, और दोनों का जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ वो बहुत सारे लोगों से बिल्कुल अलग है। और पहले आदमी का नाम है आदम, और दूसरे आदमी का नाम है यहोशुआ। बोलिए, यहोशुआ। पहले का आदम, दूसरे का यहोशुआ। पहले का आदम, दूसरे का यहोशुआ। अब आदम को जब परमेश्वर ने बनाया नहीं था, जब हम उत्पत्ति की किताब बरशीत की किताब के अंदर हम पढ़ते हैं चैप्टर 1:26 के अंदर, वहां पर ऐसे लिखा है कि आओ हम आदम को अपने स्वरूप के ऊपर बनाए। आदम को कैसे बनाए? अपने स्वरूप के ऊपर। परमेश्वर ने क्या कहा? आओ हम आदम को अपने स्वरूप, आओ हम अपने अपने स्वरूप के ऊपर बनाए। हालेलुया, हालेलुया। जो पहला आदम था वो परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर रचा। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा काम है जो हमें आदम के अंदर से परमेश्वर का स्वरूप नजर आए। आज तक बहुत सारे लोग इसी बात के ऊपर कोई किस तरीके से बोलता है, वो कहते हैं जी परमेश्वर की छाया जो है वो आदम है, जब परमेश्वर के जो सांस उसमें डाली गई वो परमेश्वर है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों के अपने विचार हैं, लेकिन आज हम उन बातों को सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आदम जो शब्द है वो ग्रीक, लेटिन, अरामिक, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, पंजाबी, इसमें से कोई भी वो इस भाषा में से वो शब्द नहीं लिया गया, बल्कि आदम जो शब्द है वो इब्रानी से आया है। किससे आया है? इब्रानी से। बोलिए, बोलिए। और तीन अक्षरों से आदम बनता है, एलेफ से बनता है, डैलेस से बनता है, मैम से बनता है। बोलिए, एलेफ, डैलेस, मैम। एलेफ का साउंड आ, कैलेट का साउंड था, नैम का साउंड मा। अब तीन अक्षरों को आ, दा, मा को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आदम।
बोलिए बोलिए क्या बात है। हालेलुया हालेलुया। आज हमें सीखना है कि आदम परमेश्वर के स्वरूप में कैसे था। तो मैंने यहाँ पर आदम तीन अक्षरों में लिख दिया है, एलफ में लिख दिया, दैलत और मैफ को मैंने लिख दिया है, आदम लिख दिया है। अब मैंने एलफ को एलफ को एलफ को एलफ से लिखा है तीन अक्षरों से। बोलिए एलफ एलफ लामे लामे पे। फिर से बोले एलफ लामे पे। क्या बन गया? एलफ। ये बन गया। अब मैं दैलत को खोलूंगा। बोलिए दैलत दैलत लामे लामे ता ता। क्या बन गया? दैलत। बोलिए आप बोलिए दैलत लामे ता। क्या बन गया? दैलत। अब मैंने इसको खोल दिया। अब तीसरे नंबर पे है मैम। अब मैंने मैम को खोल दिया, मैम और फिर मैम, ठीक, इसको भी खोल दिया। अब मैंने क्या किया है, एक इब्रानी के अक्षरों के अंदर एक बड़ी खूबसूरत की एक बात है, ज्योमेट्रिया है, एक ज्योमेट्रिया है। ज्योमेट्रिया आपको पता है मैथ में होता है, और बाइबल के अक्षरों के अंदर बहुत सारा मैथ छुपा हुआ है। यदि आप उस मैथ को समझना चाहते हैं, ज्योमेट्रिया आपको सीखने की जरूरत है। जैसे ही आप ज्योमेट्रिया सीख जाएंगे, आप अक्षरों का जो मैथमेटिक्स है उसको हल करना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो मैंने एरफ को खोला, दैलत को खोला, मैम को खोला। अब नीचे से मैंने इसका ज्योमेट्रिया लिया है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। कौन सी? स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। एरफ की कितनी? एक। और लामत की? तीस। और पे की? अस्सी। अब इन तीनों को प्लस कर दिया है। खुदा के ज्योमेट्रिया के अंदर माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है और प्लस है। खुदा कभी किसी को घटाता नहीं है, वो बढ़ाता है या जोड़ता है। जुड़ेंगे तो भी कुछ पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। हमने जोड़ा तो कितने मिल गए हमें? 111। बोलिए बोलिए 111। फिर हमने एक 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 को प्लस किया, कितने मिल गए? तीन को पकड़ के रख रहा है। अब हम दैलत के स्टैंडर्ड वैल्यू को देख लेंगे। दैलत की कितनी? चार। लामिद की? तीस। सब की? 400। कितने हो गए? 434। 434 हो गए, शाबाश। अब हमने चार और तीन को प्लस किया, फिर चार को प्लस किया, कितने मिल गए? 11। अब 11 को डबल एक जो है, एक एक को प्लस किया, कितने मिल गए? दो। शाबाश, बोलते जाओ जल्दी जल्दी से, ठीक है। अब अभी आ गया है डबल मैम, एक मैम की है 40, दूसरे की भी 40, कितने हो गए? 80। ठीक है, जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं है, खुदा में कभी भी जीरो नहीं करता। सुने, तो अब हमने क्या किया, तीन यहां से लिए, दो यहां से लिए, आठ यहां से लिए, कितने हो गए? 13। बोलिए बोलिए 13। तीन यहां से, दो यहां से, आठ कितने हो गए? 13। मैंने यहां ले आया। अब मैंने अगर इन तीनों अक्षरों को देखेंगे, एरर गैलत मैम, तो क्या बन जाएगा? आदम। आदम बोलिए बोलिए आदम। आपको आदम जहां भी तो मिल रहा है ना, सिर्फ आदम यही नहीं है, आदम यहां पर भी है। एलत को खोला, गैलत को खोला, फिर मैम को खोला, ठीक। इसी प्रकार से नीचे भी हमने उन्हीं को खोलकर अब हमने ऑर्डिनरी वैल्यू को दे दिया। एक मैट्रिया है, याद रखना है, अगर इन बातों को सीखना है, जानना है, तो फिर आपको ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनने वाले कभी भी ऐसे नहीं होगा कि उनको समझ नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, हम ध्यान से सुनते नहीं, हमारा ध्यान इधर उधर रहता है, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वो कैसे लिख रहा, वो कैसे आपके ऊपर से निकल रहा है, फिर आपको पता नहीं है। सुनो, ध्यान से सुनो। और मैं कहता हूं, मैं सुनता हूं तो मुझे आता है, और मैं ध्यान से सुनता हूं, सुनता ही नहीं हूं। बोलिए बोलिए ध्यान से। पवित्र आत्मा क्लीसिया को क्या कहता है? जिसके कान हो वो सुन ले। आपको पूरा वचन बोला, पवित्र आत्मा क्लीसिया को कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। साथ में बोलिए, पवित्र आत्मा क्लीसिया को ये कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। पवित्र आत्मा क्लीसिया को ये कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसिया को ये कहता है, जिसके कान है वह सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसिया को ये कहता है, जिसके कान है वह सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसिया को ये कहता है, जिसके कान है वह सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसिया को ये कहता है, जिसके कान है वह सुन ले।
पवित्र आत्मा कलीसिया को ये कहता है जिसके कान हो वह सुन ले। आप वचन का अंगीकार कर रहे हैं, ये वचन है प्रकाश वाक्य के साफ पर लिखा है। अब मेरे साथ बोलो, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु अहे मसीहाक ने कहा, यीशु अहे मसीहाक ने कहा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, मेरी सुनो और समझो, और समझो। रिपीट करें, यीशु अहे मसीहाक ने कहा, मेरे पास आओ, मेरी सुनो और समझो। यीशु अहे मसीहाक ने कहा, मेरे पास आओ, मेरी सुनो और समझो, मेरी सुनो और समझो। सुनने वाले ही समझेंगे। कौन समझेगे? सुनने वाले। अगर नहीं सुनेंगे नहीं समझेंगे। लोग कहते हैं जी ये बातें समझ नहीं आती, इसका अर्थ क्या है? नहीं सुनाई नहीं। और अगर पहला यूहन्ना 5:3 पढ़ेंगे तो वहां ऐसे लिखा है कि यहोवा के वचन कठिन नहीं है। क्या है? सरल। सरल। जितने वचन यहोवा के आसान है, मेरे और आपके वचन उतने आसान नहीं है। पर फर्क ये है, हम इंसान के वचनों को ध्यान से सुनते हैं और खुदा के वचनों को ध्यान से नहीं सिर्फ सुनते हैं, ध्यान से नहीं, ध्यान से नहीं सुनते। तो आज कैसे सुन रहा है? ध्यान से। ठीक है, तो हमने गमेटिया के अंदर स्टैंडर्ड वैल्यू को लिया तो हमें 13 मिला, और फिर हमने ऑर्डिनरी वैल्यू को लिया। ठीक है, ऑर्डिनरी वैल्यू ऊपर से है, एलएफ की कितनी है जी? लामद की 12, ए की 17, कितने मिल गए हमें? 20, जीरो को हटा दीजिए, 3, शाबाश। डैलत की 4, लामद की 12, साफ की 22, कितने मिल गए? 38, 3 और 8, 11, कितने हो गए? 11। ठीक है, एक एक को प्लस कर देंगे कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, आगे नीचे कितने हैं मैम की? 13, फिर मैम की 13, कितने हो गए? 26। 2 और 6 को प्लस करेंगे 8, 3 यहाँ से लिए, 2 यहाँ से लिए, 8 यहाँ से लिए, कितने? 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, दोनों को प्लस किया कितने मिल गए? 26। युद्ध है 12, युद्ध है 12, कितना? 26। ऐसे आप कह सकते हैं कि आओ हम आदम को अपने स्वरूप में ऊपर ना, तो खुदा ने अपनी वैल्यू जो थी वो आदम में रख, तो फिर तभी तो निकलेगा। अब बहुत सारे लोगों की सोच में लो जी कोई जरूरी थोड़ा विरानी आएगी तो स्वर्ग, ये पास स्वर्ग जाने के लिए है, आप घूंगे रहें प्रभु की ओर देते स्वर्ग तो भी चले जाएंगे, फिर बोलना ही नहीं है ना, समझ लगे कि नहीं? पर जो आप इब्रानी की स्टडी करके इब्रानी को सीख कर आप वचन का टेस्ट ले सकते हैं, वचन के अंदर इंजॉय कर सकते हैं, आप दूसरी भाषा में नहीं कर सकते। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा इंजॉय करते हैं। 2 कब बज गए 3 कब बज गए 12 कब बज गया पता नहीं चलता, पर सुबह उठते हैं फिर फ्रेश, पर पता है कि 2 रात सोए नहीं तो कैसे होता है? जमीन भी ऊंची नीची नजर आती है। बोलेंगे हालेलुया। तो अगर आपसे कोई पूछे परमेश्वर ने कहा आओ हम आदम को अपने स्वरूप के ऊपर बनाए, तो कैसे आप बता सकते हो कैसे परमेश्वर के स्वरूप में है? आपको गमेत्रिया सीखना पड़ेगा, आपको ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड वैल्यू को जानना पड़ेगा, फिर उनको कैसे प्लस करना कहते माइनस ना कर देना माइनस से चलेगा, फिर कहाँ चले जाएंगे? माइनस। तो हम हमें क्या करना है? प्लस। बोलिए बोलिए जा मल्टीप्लाई। मेरा खुदा मुझे और आपको प्लस करता है, कभी घटाता है? नहीं। उसने आदम को प्लस किया, फूलों पर क्या किया जी उसको? मल्टीप्लाई कर दिया उसने। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर ने कहा आओ हम आदम को अपने स्वरूप के ऊपर बनाए, दूसरे आदम के पास चले। दूसरा पति 1:26 पढ़ा, वहां परमेश्वर कहता है कि आओ हम आदम को अपने स्वरूप के ऊपर बनाए, और यहां पर हम यूहन्ना 10:30 पढ़ते हैं, यहां पर यीशु मसीह ने एक ही लाइन में कहा मैं और मेरा पिता एक है, मैं और मेरा पिता एक है। जब आप यूहन्ना 14:10 पढ़ते वहां उसने कहा पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। अब कैसे हम सीख सकते हैं यीशु के अंदर पिता है और पिता के अंदर पुत्र, कैसे पता चलेगा?
क्योंकि जब वो आदम को बुला रहा था दोनों वहां पे, तभी तो यहोवा कहता आओ हम, उसने यही कहा मैं, क्योंकि वहां पुत्र भी था, है भी शक एक ही थे। लेकिन यीशु मसीह जब ये कहता है पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, बोलिए बोलिए, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। हाँ, पहले तुम पिता को देखे। यहाँ पर भी ज्योमेट्रिया हमें सीखने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड वैल्यू और ऑर्डिनरी वैल्यू को लेना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, हम स्टैंडर्ड वैल्यू को ले रहे हैं। योती कितनी? 10। एक ही? 5। बाकी 6। फिर है की? 5। जोड़ दीजिए 26। ठीक है, ऊपर चलेंगे। 10 योती? 10। एक ही? 5। बाकी 6। एक ही? 5। जोड़ दीजिए 26। इसका अर्थ है 26 हमें मिल रहा है। युद्ध है बाब ही का क्या अर्थ है अभी तक पता नहीं चल पाया। अब रूबानी जो यहूदी है वो ये कहते हैं मशियाक आएगा, वो हमें बताएगा कि युद्ध है वाभे का अर्थ क्या है। साल में वो एक बार युद्ध है वाभे अपनी जुबान से बोलते हैं, वो भी किस दिन? प्रायश्चित के दिन। हमने अभी बताया था उस दिन जब उनको गुनाहों की माफी लेनी होती थी, उस दिन वो युद्ध है वाभे पुकारते थे। तो उसके बाद युद्ध बाबे को क्या बोलते हैं? अडनोई। बोलिए अडनोई। अडनोई का क्या? मास्टर, हमारा मास्टर है। उसकी डेफिनेशन, युद्ध बाबे की डेफिनेशन, वो कहते हैं मशीहा की आपको आएगा तो हमें बताएगा, लेकिन डेफिनेशन है यहां पर यशुआ पर यहूदी। तो इस बात को जो रूबानी की यहूदी वो तो स्वीकार नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहां यशुआ आ गया है। अगर वो स्वीकार करेंगे भाई वो रूबानी के यहूदी नहीं रहेंगे, वो मसैनिक यहूदी बनते। मसैनिक का अर्थ है उन्होंने यीशु मसीह को मसीहा के रूप में, मसीह के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो यहूदी क्या कहते हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानते, वो कहते हैं युद्ध बाबे की अगर कोई डेफिनेशन देगा तो सिर्फ एक है, जब यीशुआ आएगा, जब मसीहा आएगा, जब मसीहा आएगा तब वो उसकी डेफिनेशन देंगे। लेकिन जो मसीहिक है उनको समझ आ गई है, जब वो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह था उसकी जो तख्ती के ऊपर यही बात लिखी हुई थी। योद लिखा था यीशुआ, ये लिखा था हे नासरी, वह लिखा था वह मेले, ये लिखा था हे यहूदी, यानी के यीशु यहूदियों का राजा। बोलिए बोलिए, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। हाँ, ये पूरा लिखा था। तो युद्ध बाबे को पूरी तरह से खोल दिया गया। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। तो हम उस बात के ऊपर नहीं, हम इस बात के ऊपर है कि यीशु मसीह ने कहा मैं और मेरा पिता, यीशु मसीह ने कहा मैं पिता में हूँ और पिता बस उस बात को हमने देखना है। यीशु मसीह और पिता कैसे एक है, पिता के अंदर यीशु कैसे है, यीशु के अंदर पिता कैसे है। ठीक है, तो हमने ग्रामेटिकल के अंदर जो हमने सीखा है उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑर्डिनरी वैल्यू को लिया, हमें 26 26 मिला है। अब हम यशुआ के पास आ जाए। बोलिए योद, योद, ए, ए, बाप, बाप, शिन, शिन, आई, आई, आप बोलिए, योद, ए, बाप, शिन, आई, कैसे बोले, योद, ए, बाप, शिन, रुक गया पास, यहां रुकना हमने, बोलिए, योद, ए, बाप, फिर से, योद, ए, बाप, यहां तक आ गए, फिर से बोले, योद, ए, बाप, अगर हम इसको ना बोले, इसको बोले दोनों को, युद्ध है, फिर से, युद्ध है, फिर से, युद्ध है, हम कहेंगे या, क्या कहेंगे, या, अगर आप या कहेंगे तो भी आप युद्ध बाबे बोल रहे हैं, अगर आप याहू बोल रहे हैं यहां तक क्या होगा, याहू, बोलिए बोलिए, याहू, इसको बोले, याहू, फिर से बोले, याहू, फिर भी आप युद्ध बाबे बोल रहे हैं। जब ये आएगा शिन आयन आएगा शुआ, बोलिए शुआ, ऐसे बोले शुआ, शुआ का अर्थ होता है उधार, जिसे हम कहते हैं सॉल्वेशन। तो हम अब दोनों को, ये दो शब्द है दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं, यहोवा उधार करता, कौन, यहोवा उधार करता, ऐसे बोले यहोवा उधार करता, यहां तक बोले याहू, याहू, शुआ, शुआ, ऐसे बोले याहू, शुआ, ऐसे बोले याहू, शुआ, शॉर्टकट बोल दीजिए, यीशु, यीशु, कम इन बेड़ो, ऐसा लंबा जरूर जाना,
मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। आपकी दुआ इस नाम से भी सुनी जाएगी ना, पर जब आप यहोशुआ को समझेंगे तो उसका जो ठेस आपके जीवन में होगा ना वो दूसरे नहीं ले पाएंगे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। बोल सकते हैं ठीक है। अब यहां से हमें इसका जो ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड वैल्यू में हमें 26 मिला है ठीक है। योद की वैल्यू ए की, बाप की, झील की, आयन की, प्लस कर दीजिए 391। कितने मिल गए? 391 ठीक है। 391 को प्लस कर दीजिए 3 + 9 + 1 कितने हो गए? 13 ठीक है। कितने मिल गए जी? 13। चलो अब ऑर्डिनरी वैल्यू के ऊपर चले ठीक है। योद की 10, ए की 5, बाप की 6, शीन की 21, आयन की 16। देखो स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी में फर्क हो गया कि नहीं? हाँ जी। जब ऊपर से नहीं जाएगी तो सीधा जाएंगे 1 से लेकर 22 तक, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड वैल्यू नीचे से लेंगे 1 से 10, 10 से फिर सीधा 10 + 10 + 10 प्लस करके 100 में चले जाएंगे, 100 से सीधा 100 + 200 फिर 100 और प्लस 300 और फिर प्लस 100 400 ठीक है। अब ऊपर से हम प्लस करेंगे 10 को 5 के साथ प्लस करें 15, 6 करें 21, 42 और 16 ठीक है। 5 और 8 मिल गया, 5 और 8 को प्लस कर दीजिए 13, यहाँ 13 यहाँ 13 दोनों को यहाँ ले आए कितने बन जाएंगे? 26। बोलिए बोलिए 26। इसमें अंतर है, सेम हो गया। इसलिए तो यीशु मसीह कहता मैं और मेरा पिता एक है, पिता मुझ में है, 26 पिता में है, पिता का 26 मुझ में है, 26 बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। आसान नहीं है, कितनी आसान है, कहाँ मुश्किल है, पर सुनना है आपको ध्यान से, और आप सुनेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप ना समझे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। तो कितने आदम? दो। बोलिए बोलिए दो। एक यहाँ से लिया, एक वहां से आया। जब मैं और आप पैदा होते हैं जमीन के आदम से पैदा होते हैं, जब मैं और आप नया जन्म पाते हैं तो ऊपर वाले आदम के साथ जुड़ जाते हैं। जो नया जन्म नहीं पाएगा वो पुराने जन्म में रहेगा तो पुराने आदम के साथ संसारिक तरीके से उसके साथ संसार में रहेगा। अब ये ना मत सोचना कि आदम नरक में होगा, नहीं, आदम तो नरक जा ही नहीं सकता, आदम को तो स्वर्ग में जाना है, और आदम के ऊपर यीशु मसीह के लहू की बूंदें गिरी है, ये याद रखना। और जिसके ऊपर यीशु मसीह के लहू की बूंदें गिर जाएंगी वो क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए क्लीन, क्योंकि लहू पवित्र करता है। मैं आप बात बता देता हूं, पिछली बार मैंने छोड़ दी थी कि जब मथुसला की मौत हो गई, मथुसला की मौत हो गई 7 दिन 9 के अंदर पहले चले गए, 7 दिन बाद में बारिश हुई है, लेकिन 7 दिन वो 9 के अंदर चले गए, 7 दिन उन्होंने मथुसला की मृत्यु का अफसोस किया। कितने दिन? 7 दिन। एक और बड़ी बात थी, नू 7 साल में आदम की डेड बॉडी को भी साथ ले गया। आज एक पॉइंट आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों का मानना है कि हवा की कब्र जमीन के ऊपर अभी भी है और वो उस नाम से उसको पुकारते हैं, पर याद रखें आदम को, आदम की डेड बॉडी को नू जो था वो 9 में ले गया, किसी में ले गया, और जब नू किसी से बाहर आया तो उसने जाकर आदम की डेड बॉडी को दुर्गथा पहाड़ी के ऊपर दफन कर दिया। और जब दूसरा आदम आया, आदम एक नीचे मरा हुआ है, एक आदम मरना उसको भी वहीं पर है, याद रखना है, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है, आदम नीचे दफन है। जैसे ही यीशु मसीह के क्रूस से लहू की बूंदे जमीन के ऊपर गिरी, जमीन के नीचे कौन था? आदम। उस आदम के लिए तो लहू बहाना था, आपके सोचने हमारे लिए लहू बहा गया, इसलिए आदम आपको स्वर्ग में मिलेगा। मिलकर बोलेगा हालेलुया हालेलुया। मिलेगा स्वर्ग में, तो कहां मिलेगा? स्वर्ग में। अब्राहम कहां मिलेगा? स्वर्ग में। इसहाक कहां मिलेगा? स्वर्ग में। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बनाना, ऐसे लोगों को स्वप्न में याद करो, दिन में याद करो, विचारों में रखो, क्योंकि जाना कहां? स्वर्ग में। शाहरुख कहां मिलेगा? नहीं। और
या एक्टर होंगे या ना, मुझे पता ही नहीं है। अब्राहम, इसहाक, याकूब मिलेंगे, यहोशु भी मिलेगा और बहुत सारे खुदा के, दानियल भी मिलेगा। होश जाओ नमो सब्दा जुड़ो निकाल हूँ आपको सपने आजाई मराखी सक्रिय सब मिलेंगे। हालेलुया, कितना मजा आएगा। मैं और आप भी वहां, हालेलुया हालेलुया। एक बात याद रखना, वहां किसी का रंग काला नहीं होगा। जहां 70-80 साल थोड़ा था, झेल लो इस रंग को। हर व्यक्ति की आयु 30 वर्ष की होगी। याद बात मैं बताऊंगा, आदम को जब बनाया गया 30 वर्ष का था, जब यीशु का बपतिस्मा हुआ 30 वर्ष का, जब यूसुफ को राजा बनाया गया 30 वर्ष का, जब सौल को राजा बनाया गया 30 वर्ष का। 30 के अंदर बहुत जबरदस्त बातें हैं। जब 130 वर्ष का हुआ आदम के घर में, देखो 130 वर्ष का हुआ आदम के घर में शेर पैदा हुआ। जब आदम 930 वर्ष का हुआ आदम चलाना कर गया। 30 उसके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अभी टॉपिक नहीं है, आपकी कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे अब आपको बताते जाएंगे। तो हमने आदम को अपने स्वरूप के ऊपर बनाया, गेमेट्रिया में गया तब हमने सीखा। यशवा कहता है मैं और मेरा पिता एक है, गेमेट्रिया में गया तब हमें पता चला, क्योंकि वैल्यू हमें मिलेगी, जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी हमें उसके बारे में पता नहीं चलेगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। से चले पूरब की जो बात आपकी है, भारत का नाम आ जाता है। किसका नाम आ जाता है? भारत। याद रखिए, आपको पता है जब मजूसी आए थे कहां से आए थे? बोलिए बोलिए, पूरब से। पूरब की ओर से, लिखा पूरब से आए थे। कहां से आए थे? पूरब से। इसका अर्थ कोई देश की ओर इशारा किया जा रहा है। अच्छा, क्या क्या लेकर आए थे? सोना और ये याद रखे, मिस्रियों के अंदर ऐसी कोई परंपरा नहीं थी कि जब कोई बच्चा पैदा हो तो उसको ये गिफ्ट दी जाए। बेबीलोनियों के अंदर ऐसी कोई परंपरा नहीं थी कि कोई बच्चा पैदा हो तो उसकी ये गिफ्ट दी जाए। और विभिन्न प्रकार के जितने भी उस समय के देश थे उनमें कोई भी ऐसी परंपरा नहीं थी, लेकिन भारत में एक ऐसी परंपरा थी, जब कोई बच्चा पैदा होता था उसको सोना आज भी देते हैं। कोई छेनी बना के देता है, कोई अंगूठी बना के देता है, और तो किसी में परंपरा नहीं है। ये युवतियों की परंपरा नहीं है, ये भारत देश के लोगों की परंपरा है। तो इसका अर्थ है जो मजूसी गए थे भारत से, कहां से गए थे? भारत से। बोलिए बोलिए, मैं आने वाले दिनों में एक बंदे का नाम बताऊंगा, जिसने आकर बड़ा बहुत तकड़ा राजा था और उसने एक मंदिर बना दिया मरियम के नाम से। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। सुने, तो पूरब की ओर अदन देश में एक वाटिका, अदन पूरा वाटिका नहीं थी, अदन के अंदर एक स्थान था जहां पर वाटिका को बनाएगा। अब लोगों के व्यू क्या है अदन की वाटिका के विषय में, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक व्यक्ति के अगर व्यू को सुनकर ये नहीं कह सकते हाँ जी उसने कहा जी रात में, ठीक है जी रात में, आप जी थर स्टेज के ऊपर गया जी मैं कहता हूं जी बाकी अदन रात, मैं क्या सुन रहे। आपने एक बंदे को सुना, क्योंकि एक बात के ऊपर बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, पर जो बात आपको वचन के साथ मिलेगी, जिसके रेफरेंस हमें बाइबल में से मिलेंगे, वो बात ठोस हो सकती है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। तो हमने पहले नंबर पे लिखा है बाइबल के विधान द्वारा माना जाता है कि अदन की वाटिका मेसोपोटामिया वर्तमान इराक में है। कारण क्या था? क्योंकि कारण यह है, आज भी फरात हवीला जो नदियां बागे अदन से निकली वो इराक में है। तो उनका मानना है कि बागे अदन अगर कहीं है तो वो कहां है, किस कारण क्या है? दो नदियां। लेकिन बाइबल कहती है एक महानदी से चार नदियां निकली, एक महानदी है चार, तो फिर दो वहां तो है नहीं, तो फिर ये ठोस तो बात हो ही सकती है ना।
जहां तो फिर चारों नदियां वहां पर बहती होती, तो दो है तो बाकी दो कहां है? इसका मतलब दो है कहीं से बहकर तो दो आ सकती है। दो ने रुख यार की तरफ ले लिया, हो सकता दो ने रुख कहीं और ले लिया। लेकिन अगर इराक के अंदर वाटिका है तो वहां तो चार नदियां है, कितनी नदियां? चार। लेकिन इराक के अंदर कितनी आ रहे हैं? दो। तो इसका अर्थ है पहला जो पॉइंट है, हमें कोई ठोस इस बात को ऊपर विश्वास भी दिला रहा कि हम इस बात को के साथ एग्री हो जाएंगे। आप नामों को मत देखना, डॉली उस बड़े पास्टर ने कहा है, कोई बड़ा छोटा नहीं है खुदा की नजरों में। सुबह काम करने वाला, दोपहर काम करने वाला, एक घंटा काम करने वाला, मजदूरी सेम है। तो यहां यह पता चलता है कोई छोटा बड़ा नहीं है, नहीं है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। मैं अपनी नजरों में छोटा बड़ा अपने आप को कर सकता हूं, पर मैं यहोवा की नजरों में छोटा बड़ा नहीं, क्योंकि यहोवा हमें ये नहीं है कि वहां 20,000 बंदे आ रहा है तो खुदा ज्यादा काम कर रहा है, यहां 100 बंदा आ रहा है खुदा कम काम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हमने अपने नजरिए से देख लिया। लेकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये पहला उनका पॉइंट है जिससे वो कहते हैं इराक के अंदर अदर की वाटिका है। दूसरा पॉइंट, अगर अदर की वाटिका के इराक में थी तो फिर शायद नदियां जो और होती वो क्यों नहीं है? ये तो फरात अवेला तो है, पर ये तो दो नदियों का नाम पिशोन गिहोन जो लिखे हैं गिहोने, वो क्यों नहीं है? ये दो नदियां रात में नहीं है क्योंकि एक ही महानदी से चार नदियां निकलती है, फिर दो ही क्यों है? इस बात को ये बात कम कर रही है, इसकी पर्सनैलिटी को इस बात ने कम कर दिया, इसने सवाल कर दिया, फिर दूसरी कहा नहीं। तीसरा पॉइंट, इराक प्राचीन समय में अशूर नाम से जाना जाता था। इस वचन को अपने पढ़ना निकाल के रख लीजिए, ये गौर करने वाली बात है। अशूर देश की और की वाटिका अलग अलग क्षेत्रों के रूप में संबोधित किया है, जिसके अल कती जाए तीन वचन पढ़ेंगे जल्दी से अशूर तो लबानोन का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखे हरी छायादार थी। एक अशूर की थोड़ी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी उसकी खूबसूरती के बारे में बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया है इराक को किसी समय में अशूर के नाम से पुकारा जा रहा था। अब आप अशूर नाम सोचते हैं इराक के ऊपर आप लोग सोच रहे कि ये इराक की बात हो रही है। आगे चले, और बड़ी ऊंची थी, बड़ी ऊंची थी और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंचती थी। यस, चलिए 9 बजे भी पड़े, यहाँ हमें बहुत बढ़िया उत्तर मिलेगा। मैंने उसे गालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया था, मैंने बड़ा सुंदर बनाया था। यहाँ तक कि अदन के सब वृक्ष, अदन के सारे वृक्ष जो अलोहिम के बाड़ी में थे, जो वाटिका में थे, उसे गाल करते थे। किसे किसे गिना करते थे? अशूर के पेड़ों से। अदन की वाटिका के अंदर जो पेड़ थे, अशूर के अंदर जो पेड़ थे बड़े खूबसूरत थे। इसके परमेश्वर की जो वाटिका थी उसके पेड़ उसे घृणा करते थे। तो अगर एक ही जगह पर है दोनों पेड़, तो फिर एक दूसरे पेड़ों से नफरत करने की क्या जरूरत है? तो इसका तो अर्थ है कहीं और है ये। वहां से उसकी खूबसूरती को देखकर उनको जलन हो रही है। तीसरे पॉइंट के अंदर, अदन के पेड़ शूर के पेड़ों की सुंदरता को देखकर उससे जलते थे। अगर अदन की वाटिका शूर में ही थी तो अदन के पेड़ अशूर की ईर्ष्या कैसे कर सकते? इराक के अंदर ही अदन की वाटिका है तो फिर और भी पेड़ अदन की वाटिका वही है तो कैसे कैसे कर ठीक है? तो तीन बातें जो है, बातें और बहुत सारी हैं, तीन पॉइंट जो है वो इस बात का खंडन करते हैं कि अदन की वाटिका इराक में नहीं थी। खुदा ने आदम और हवा को मोरिया पर्वत के ऊपर बनाया और रखा जाकर इराक में, यह कैसे हो सकता है?
पैदा कहा किया? मौर्या पर्वत के ऊपर। मौर्या पर्वत के ऊपर आदम और हवा की रचना की गई और रखा इराक में, नहीं ऐसे नहीं, वही पास में एक वाटिका तैयार की गई जिसमें उसने आदम और हवा को रख दिया। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। देरिया है कि तीन पॉइंटों के अंदर कहीं भी हमें ये क्लोज बात नहीं मिली कि वाकया ही के अंदर की वाटिका जो है इराक में है। बहुत सारे प्रॉस्पर है, बहुत सारे बुक्स पढ़ने वाले वो ये दावा करते हैं वो बाइबल से नहीं है, विभिन्न प्रकार की और किताबों से वो रेफरेंस देते हैं, लेकिन हम बाइबल से रेफरेंस लेंगे तो हमें संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे है जूरियस, एक प्रोफेसर था जोरेस, सॉरी प्रोफेसर जोरेस, 1971 के अंदर उसने दावा किया कि अदन की वाटिका फारस की खाड़ी में थी। फारस किसको बोलते हैं? ईरान को। फारस किसको बोलते हैं? ईरान। इसने दावा क्या किया? इसको कोई दंत कथाओं के अंदर कुछ ऐसे कारण मिले जिसके कारण इसने कहा कि जो अदन की वाटिका है वो जो है वो फारस की खाड़ी ईरान में है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यहां पर एक नाम लिखा है परे स्टेर जॉन है। ठीक है, जॉन ने थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई। 1266 के अंदर मार्को पोलो जो था, वो तो आप लोग जानते हैं मार्को पोलो जो आया था, वो पहला यूरोपियन था, वो अदन की वाटिका को खोदते खोदते चीन चला गया। कुछ लोगों का चीन का राजा ये दावा करता था कि जो अदन की वाटिका है वो कहां है? चीन में है। चीन में है, लेकिन ये भी ज्यादा देर लोगों के बीच में इस बात ने जड़ नहीं पकड़ी और थोड़ा समय लोगों के अंदर ये बात रही, लेकिन उसके बाद लोग और आगे बढ़ने लगे। फिर हम देखते हैं क्रिस्टोफर कोलंबियस अदन की खोज में निकल पड़ा और एक देश है वेनेजुएला और एक उस वहां का एक एरिया है पारिया, उसने ये दावा किया कि अदन की वाटिका पारिया के अंदर है, लेकिन ये भी थोड़ी देर तक लोगों के अंदर इस बात ने जोर पकड़ा, लेकिन धीरे धीरे डाउन हो गया। ये लोगों के अपने अपने विचार, मैं तभी कहा आप एक एक को सुनकर कहेंगे उसने रात में कह दिया जाओ जी आप फुलपट पे आ गए जी यहाँ पे प्रचार कर दिया जी जो ये है वो है, आपको पहले थोड़ा सा उसको डीप जाना है, आपको और बहुत सारे जो है लोग उनके उनको सुनना है। आगे मैंने सातवें पॉइंट में लिखा है कुछ विद्वानों का मानना था कि अदन की वाटिका बहरीन में थी, क्योंकि बहरीन में एक क्योंकि एक ऐसा बाग था सदियों से वो उजड़ा हुआ था और उस उजड़े हुए बाग के अंदर बीचों बीच एक अभी तक भी पेड़ है 400 साल पुराना। कितने साल? 400 साल पुराना। लेकिन उन दिनों के अंदर खोज नहीं की गई कि 400 साल पुराना, उन्होंने कहा बड़े समय से है, तो लोगों ने मान लिया कि यहीं पर अदन की वाटिका थी और जो पीछे पीछे पेड़ है ये जीवन का पेड़ है, अभी भी अभी तक भी जीवन का पेड़ बचा हुआ है। लेकिन और थोड़ी सी खोज की गई और उन्होंने निकाला कि इस पेड़ को सिर्फ 400 साल हुए और बात कितने साल की हो रही, 6000 साल की बात, 400। इसलिए उस बात को भी उन्होंने खंडन कर दिया गया। सुने अब आ गए हम परमेश्वर का पवित्र पर्वत, कौन सा? परमेश्वर का पवित्र पर्वत। फिर से बोले परमेश्वर का पवित्र पर्वत, जहां पर परमेश्वर उतरा, जहां पर परमेश्वर उतरा और आकर आदम और हवा की रचना, उसने नींव को रखा। जब नींव की बारी बात आएगी तो नींव किसकी है? आदम और हवा की। ये नहीं है कि पानी को खुश्की से अलग कर दिया, खुश्की को पानी से अलग कर दिया, वो नहीं है नींव, वो तो शुरुआत है। नींव क्या है? जब आदम और हवा को पैदा किया गया, तो आदम और हवा को पैदा करने के लिए परमेश्वर ने कौन सा स्थान लिया? मौर्या पर्वत, परमेश्वर का पवित्र पर्वत, और जिसे मैं और आप अपनी भाषा में कह सकते हैं मौर्या पर्वत। बोलिए बोलिए मौर्या पर्वत। फिर से बोले मौर्या पर्वत। इसहाक की कुर्बानी का मौर्या पर्वत,
और आदम और हवा को कहाँ रचा गया? मौर्या पर्वत। सुलेमान का मंदिर कहाँ? मौर्या पर्वत। दाऊद का तंबू कहाँ? मौर्या पर्वत। मूसा का तंबू कहाँ? मौर्या पर्वत। फिर के बोले कि हालेलुया हालेलुया। सुनते जाए आप आशीष पाएंगे। तो यहाँ मैंने कुछ रेफरेंस लिखे हैं, मैं चाहूंगा जल्दी से पढ़ें। यशायाह 2:2-3। अंत के दिनों में ऐसा होगा भी यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। कौन सा पर्वत? यहोवा का। कैसे बोले? यहोवा का पर्वत। ठीक है, भजन संहिता 3:4। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। मैं अपने पवित्र पर्वत से। कौन से पर्वत से? पवित्र पर्वत से। पवित्र अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। और 40:1-2 भी पढ़े जल्दी से। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत। देखो, आप एक ही बात को रिपीट करते हुए सुन रहे हैं कि परमेश्वर का पवित्र पर्वत। परमेश्वर कहाँ पर उतरा? कैसे बोले? पवित्र पर्वत पर। तो उसके लिए वो स्थान कौन सा बन गया? पवित्र। कैसे बोले? पवित्र स्थान बन गया, क्योंकि जहाँ परमेश्वर आएगा वहाँ सारी चीजें क्या हो जाएंगी? पवित्र। जो उसकी उपस्थिति में आ जाएगी, जो उसकी हजूरी में आ जाएगी, वो सब पवित्र हो जाएंगी। ठीक है, यशायाह 66:20। और जैसे इसराइली लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र में भर कर यहोवा के भवन में ले आते हैं वैसे ही मैं तुम्हारे सब भाइयों को ढूंढो। आज के वहां पर यहोवा का भवन आ गया है। अब हम खास वचन जो है यशायाह 28:16 पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, इसलिए ये मेन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये बात हमें इस बात के ऊपर विचार करने के लिए मजबूर करती है कि यहोवा ने जमीन के ऊपर जब नींव को रखा, वो कौन सा स्थान था, वो कौन सी जगह थी, उसका नाम क्या था, क्या वो आज है या खत्म हो गया है? जल्दी से पढ़े। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, माइक दे दीजिए उसको। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है यस, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। क्या रखा जी? नींव का पत्थर। ये चट्टान की बात हो रही है और मौर्या पर्वत एक चट्टान है जो सारी चट्टानों से ऊंची है। और बाइबल कहते हैं कि खुदा का जो घर है उसके पांव के रखने की चौकी जो है वो ही स्थान है। अगर यशायाह 66:1 कहता है आकाश मेरा शासन है तो जमीन मेरे पांव रखने की चौकी है, तो फिर उस चौकी जो है वो मौर्या पर्वत है। उसके पांव के रखने का स्थान कौन सा है? मौर्या पर्वत। इसे बोले कौन सा? मौर्या पर्वत। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं 16 के अंदर द्वारा से पढ़े। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। नींव का एक पत्थर, यानी कि मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं। कहां से? मौर्या पर्वत। बोलिए मौर्या पर्वत। जब वो उतरा कहां पर उतरा? मौर्या पर्वत। इसकी रचना करने के लिए आदम और हवा। यहोवा मौर्या पर्वत के ऊपर आकर भी कह रहा है सूरज बन जा, तारे बन जा, अंधेरा रोशनी से राग हो। नहीं नहीं, वो वहां पर बात कर रहा है ऊपर से। लेकिन जब आदम और हवा को बनाना था तब वो उस पहाड़ के ऊपर आया। मुझे और आपको ये सीखना और समझना और सुनना बहुत जरूरी है कि यहोवा परमेश्वर चट्टान के ऊपर खड़ा होकर पानी को अलग नहीं कर रहा था, खुशकी को अलग नहीं कर रहा था, अंधेरे को रोशनी से, रोशनी को अंधेरे से अलग नहीं कर रहा था, कहीं ये ऊपर से वो शब्द बोल रहा था। लेकिन जब उसने नींव रखनी थी, जब उसने आदम को अपने दोनों हाथों से बनाना था, तब वो मौर्या पर्वत के ऊपर उतरा। फिर बोलेंगे हालेलुया। नींव रखी गई। क्या रखा गया जी? नींव। क्या नींव भी शब्द से रख दी? नहीं,
दूसरा उत्पत्ति 2:7 वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को कहां से बनाया, जमीन की मिट्टी से। और जब आदम को रूप दिशा उसको दे रहा था तो यहोवा दोनों योद का इस्तेमाल कर रहा था। वहां पर उसकी 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 बनावट के अंदर उसने एक योद का इस्तेमाल नहीं किया, योद कर दिया है, उसने दोनों योद लगा दिए। इसका अर्थ क्या था कि ये जमीन के लिए भी है, ये स्वर्ग के लिए भी है, ये फिजिकल भी होगा, ये स्पिरिचुअल भी होगा। फिर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। इसलिए वो सिय्योन उस पर्वत पर जो यहोवा का था वहां पर उतर आया। पूरा वचन का दीजिए, इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, यस, देखो मैंने सिय्योन में का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर सोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। कौन से पत्थर, कौन से योग्य, नींव, कौन सा जगह, मौर्य। तो अब अगले पाठ में हम सीखेंगे खुदा ने रचना तो आदम और हवा की मोरिया पर्वत के ऊपर की, और बाघ लगा दिया राग में, बाघ लगा दिया बहरीन में, बाघ लगा दिया फारस में, बाघ लगा दिया चीन में, बाघ लगा दिया भारत में। तो बाघ भी कहां लगाएगा, मोरिया पर्वत। बोलिए मोरिया पर्वत के पास। कैसे बोल रहे हैं, मोरिया पर्वत के पास। आज मैं आया करूंगा यहाँ मोरिया पर्वत पे और फिर मैं तुम्हें मिलने इराक में चला जाया करूंगा। ऐसे नहीं है, बिल्कुल मोरिया के साथ ही। मैं आपको बताऊं, मैं और भाई अक्षर उस बाग के अंदर गए हैं। हालेलुया। मैं और भाई अक्षर बागियतन में जाकर आए हैं। आज भी आप जाएंगे तो अब आपको आदम होगा तो नहीं नजर आएंगे वहां घूमता है, पर मेरा यीशु आपको जरूर नजर आएगा क्योंकि जीवन का पेड़ वही पर था। हालेलुया। इशारा मैंने दे दिया है। और कभी कभी यीशु मसीह वहां जाया करता था, वहां पर समय व्यतीत। क्यों समय व्यतीत करता था, क्योंकि आदम ने वहां समय व्यतीत किया था। वो दूसरे पहले आदम की कॉपी थी, दूसरा आदम, इसलिए उस आदम की गिरावट को वो पूरा कर रहा था। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। तो अगले भाग के अंदर हम सीखेंगे, क्योंकि ये व्यू देखे हमने, इराक में है कोई कहते हैं, बहरीन में है कोई कहते हैं, फारस में, कोई कहते चाइना में है, और कोई किसी ने ये भी कह दिया कतर में भी है। मेरे पास बहुत बड़े व्यू है, उन सब को जानने की आपको जरूरत नहीं है। कहने का अर्थ है, आपको अगर आपने सुन लिया यार कतर वाले की, यार बात तो चच रही है यार, वाकई आप पुल पट पे आएंगे, लो जी बागे एकदम कतर में है, थोड़ा सा समझ चलेगा। मेरे जैसा फिर कोई आपके कहेगा ओए कतर कुतर में नहीं है, बागेदर जहां है, फिर आप कहेंगे यार बागेदर छ जहां, तो आप फिर बागेदर के बारे में ढूंढते रहेंगे तो वहां तक पहुंच कभी भी मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। तो शायद 28:16 वचन को आप नोट कर लीजिए, ये है नींव रखी गई, तारों की नींव नहीं रखी गई, चांद सूरज की नींव नहीं, वो तो बोल रहा था बोलता जा रहा था, नींव थी जब किसी को अपने हाथ के द्वारा रचना है, और वो नींव थी आदम और हवा। इंसान मानव जाति की नींव कौन है, आदम और हवा। अगर वो ना होते मैं और आप ना होते, वो नींव है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। अगले भाग के अंदर हम और बागेदर के विषय में सीखते जाएंगे। यहोवा आप सबको आशीष दे, यहोवा आप सबको बरकत दे। और मैं अपने सब भाई बहनों के लिए शमशनू बोलता हूँ, और जयमसी की बोलता हूँ, और श्रोमाई बोलता हूँ, ये वो जहां भी है यहोवा ने आशीष दे। मैं चाहता हूँ कि आप इस क्लिप को बार बार देखें, तभी आपको इन बातों को समझ आएगी। अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, अभी हम उन बातों को डिक्लेयर नहीं किया कि बागेदर कहा था, अभी तो हम सीख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं अगर हम सीखेंगे तो आने वाले दिनों में इन सारी बातों को समझ जाएंगे। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। ये है बात, आप उन सब अध्यापकों को बात करें और प्रार्थना में जाए, भाई सब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। सारा आदर